देखिए सिचुएशन उस टाइम की है जब जिस शख्स से हम मोहब्बत करते थे, जान से ज़्यादा प्यार करते थे, वो शख्स हमें एक रोज़ छोड़ करके जा रहा था। देखो क्या है ना, रिलेशन में जब आप लोग होते हैं तो जा तो वो शख्स बहुत पहले चुका होता है, लेकिन बस आप लोगों को समझने में थोड़ा नहीं बहुत देर हो चुकी होती है। उसी दौर में हम थे, वो शख्स जा तो चुका था लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे साथ निभाने की कोशिश कर रहा था। जैसे आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो हर बार जब रात को कॉल किया तो अभी मम्मी पास में हैं, अभी दीदी हैं पास में, अभी पापा के साथ खाना खा रही हूँ, अभी मौसी आई हुई है, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा होता था। और तो जब हम ज़्यादा फोर्स किया तो वो एक रोज़ मिलने के लिए आए, मन तो नहीं था, नानुकर थी, लेकिन फिर भी वो मिलने आए। अब जब वो मिलने के लिए आए तो वहाँ जो भी हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे लिखा था कि बेरिदा होकर वो मुझसे मिलने आ रही है, हाँ बातें कर रही है पर नजरें चुरा रही है, और उसकी गर्दन पर देखा था एक निशान कभी। हमारा जो मोहब्बतों की दुनिया होती है उसमें इस निशान को लव बाइट बोलते हैं, कि उसकी गर्दन पर देखा था एक निशान कभी, मैंने पूछा तो कीड़े का काटा बता रही है। और हाँ, मैं पानी कम पीता तो फर्क पड़ता था उसे, ये क्या आज वो मुझे भूखा ही छोड़े चली जा रही है। और मेरी हिजर की रातें काटे नहीं कट रही है, कि मेरी हिजर की रातें काटे नहीं कट रही हैं, शायद वो वक्त किसी रकीब के साथ बिता रही है। हाँ आज वो आई है, दोनों हाथों को पीछे बांधे, ऐसे करके आई थी वो, कि आज वो आई है दोनों हाथों को पीछे बांधे, हाँ आंखों में वो थोड़ी सी नमी भी लाई है। और वाकिफ तो हो गया था मैं उसकी हरकतों से पहले ही, बस आज वो मुझे अपनी शादी का कार्ड देने आई है।